कि कल प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने समान नागरिक आचार संहिता की शुरुआत की है, ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, अभी एक प्रकार का विषय है और प्रधानमंत्री जी ने जैसे चर्चा किया तो एक लोगों की एक आम राय, आम सहमति जैसे बनेगी, कानून का रूप लेगा। तो अभी एक लंबे समय से लोगों की इसी अपेक्षा भी है, लोग चाहते भी है कि इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए और इसलिए सामान्य नागरिक का जो विषय चला है, बहुत अलग अलग प्लेटफार्मों में लोग बात कर रहे हैं, परंतु निकट भविष्य में इसके बारे में जब सबकी सहमति, जनता का विशेषकर, तो जरूर इस पर विचार किया जाएगा और निर्णय भी होगा। लगातार भाजपा की प्रदेशों में हार हो रही है, क्या माना जाए, मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है? देखिए, राज्यों के इलेक्शन से केंद्र का इलेक्शन अलग होता है, नेता है तो स्वाभाविक है जाएंगे वो, परंतु राज्यों के जो चुनाव होते हैं तो राज्य अपने तरीके से उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होता है, और लोकसभा चुनाव होता है देश की दृष्टि से विकास को हम आदर्श बनाएं, विकास को सामने रख करके हम चुनाव करते हैं। तो इस आधार पर राज्यों के अंदर की परिस्थिति अलग है, केंद्र की स्थिति अलग है, और इसलिए इन चुनावों से इसका कोई वास्ता नहीं है। यह सत्ता में आना चाहिए, सत्ता होना चाहिए राज्यों के अंदर, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन राज्यों के अंदर आम जनता के हित में जो निर्णय होते हैं, लाइन ऑर्डर है, बाकी चीज़ों का है, वो राज्यों को करना पड़ता है। तो इस दृष्टि से राज्यों में सरकार होना बहुत ज़रूरी है केंद्र के दृष्टि से, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों के हित में प्रारंभ किया है जिनको हम गिना सकते हैं, और इतनी बड़ी संख्या है। आज कनेक्टिविटी आप देखिए, रोड रास्तों के बारे में, आज एयरपोर्ट्स आप देखिए, आज जितने भी हमारे अलग अलग अगर बंदरगाह हैं उनके बारे में देखिए, और हाईवे आप देख लो, ट्रेन बहुत जगह, अभी वंदे भारत प्रारंभ हुए हैं, और कल दो ट्रेन जबलपुर इंदौर भोपाल से उन्होंने किया, और तीन और अलग ऐसे पांच ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन कल हरी झंडी दिखा करके शुरू, तो विकास तो बहुत हुआ है। और केंद्र की जो भी है, मोदी जी का एक टारगेट है कि जिनको हम फाउंडेशन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो लोकार्पण भी एक समय सीमा के अंदर पूरा करना, ये उनका एक टारगेट है, और इसलिए देश के अंदर जितने काम होना चाहिए, और इसी के कारण आज पूरी दुनिया में आप देखिए भारत के बारे में हम 10वें 11वें स्थान में रहते थे, आज हम 5वें नंबर पर हैं, और इसलिए दुनिया में भी आज भारत की साख बढ़ी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश बघेल का परफॉर्मेंस चल रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को उनके सामने चुनाव प्रचार के हिसाब से, चूंकि जैसे आज भी दौरे में है, लगातार आप दौरे में हैं, उतरना पड़ रहा है, क्या मानते हैं कि? देखिए, ये केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, मध्य प्रदेश में भी, और पूरे जितने हमने 9 साल सरकार ने काम किया है, तो उन कार्यक्रमों को लेकर के हमने नीचे तक सभी देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि विधानसभाओं के अंदर राज्यों के अंदर जो भी है, तो उसको लेकर के ये सारे कार्यक्रम हैं, पार्टी के स्तर पे हुए, आम जनता से भी हम लोगों ने बातचीत किया, संयुक्त रूप से अलग अलग जो हमारे संगठन के जो विंग हैं, जैसे इसलिए हमने संयुक्त मोर्चा भी कहा, उनकी बैठक, हितग्राहियों से भी हमने थोड़ा टटोलने का प्रयास किया, जो बेनिफिशरीज हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के, और विकास को भी आधार बना करके विकास तीर्थ नाम हमने दिया है, कि जहाँ जहाँ कुछ महत्वपूर्ण काम हुए हैं वहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह लोगों का जाना हुआ, ताकि लोगों को ऐसा महसूस हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने ये अलग अलग प्रकार के जो काम किए हैं वो जनता को देखना चाहिए, उन पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इस प्रकार की पूरा कार्यक्रम देश भर के लिए हुआ है, और इसलिए केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश में जाना हुआ है।
यूसीसी को लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आया कि इसमें आदिवासी मुसलमानों के हक तो मारे जाएंगे, साथ ही आदिवासियों के हक भी मारे जाएंगे। देखिए, इसमें कोई आदिवासी का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, जब एक भारत और भारत के नागरिक, तो इसमें कहीं कोई आदिवासी या और मुस्लिम ऐसा हमारा कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में या आदिवासी के बारे में कोई इस प्रकार की सोच हो, इस प्रकार का कोई हमारा कोई सोच नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि सबका साथ सबका विकास, भारत के नागरिक कोई भी हो, किसी दल का भी हो, किसी विचार का भी हो, पर हम सबके लिए काम करते हैं, सबके साथ लेकर के चलते हैं, ये उनकी कल्पना है और ऐसा उनने विचार अभी तक देख रहे हैं आप। अगर मुसलमानों का विकास हुआ है तो मोदी जी के शासन में हुआ है, ये भी देखने में आया है। एजुकेशन में देख लीजिए, बहुत जो बच्चे अभी तक अशिक्षित रहते थे वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनको आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम बनाना है तो भी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस है, आज दिल्ली में उनकी मीटिंग थी, मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे, अब तक उनका चेहरा था, अब कहा जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आज उप मुख्यमंत्री का दर्जा टीएस सिंहदेव को भी दिया गया। देखिए, अपने अपने राजनीतिक दलों की अपनी व्यवस्था होती है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, देखिए, एक एक कैटेगरी के लोग हैं, वो एक पार्टी के हैं, और अगर उस हिसाब से वरिष्ठता के क्रम में देखेंगे तो वास्तव में टीएस सिंहदेव का उतना कद है छत्तीसगढ़ के अंदर, विशेषकर कांग्रेस में। तो इसलिए शायद उनने जो ये समीकरण बैठाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसके पहले वो एक मंत्रालय भी छोड़ दिया, आज एक मंत्रालय है उनके पास, पर दूसरा मंत्रालय ग्रामीण पंचायत विभाग था, वो उनने समय से हट गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आपस में है, और शायद इसलिए उनको समन्वय बैठाने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में ये प्रयास हुआ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है कि पिछले 4.5 साल मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल थे, अब अकेले उनका चेहरा नहीं होगा। अब देखिए, ये उनकी अपनी मजबूरी है, क्या मानते हैं एक साथ लड़ेंगे क्या है। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ संगठन तय करती है, हम संगठन आधारित ये भारतीय जनता पार्टी, संगठन के अंदर निर्णय होते हैं, निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहाँ है, उनके यहाँ इन सब चीज़ों को क्या मानते हैं नहीं मानते, पर कांग्रेस में अलग अलग जो गुट है उस गुट के आधार पर देखा जाता है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का जो विवाद है, क्या इसका लाभ आगामी चुनाव में भाजपा को मिलेगा? क्या ये कांग्रेस ने बहुत लेट कर दिया है ये परिवर्तन करने में? देखिए, ये तो सही है कि उनका क्या मान्यता है, किस प्रकार का है, वो बहुत पहले से सब चल रहा था, तो शायद हो सकता है अब चुनाव की दृष्टि से निर्णय किए हों, पर पहले से ही इस प्रकार की परिस्थिति थी। साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो इस प्रकार की, उसके पहले जब वो पंचायत विभाग के मंत्री थे तब भी एक बार हमारे कार्यक्रमों में साथ में थे, तो जो बातचीत में से भी समझ में आया, और बाकी इनके अलग अलग जो ग्रुप हैं वो भी शान में आया, और इसलिए ये सारा सब राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके उनने किया है। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि छत्तीसगढ़ में ईडी का उपयोग किया जा रहा कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। देखिए, ईडी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, चाहे सरकार किसी की भी रहे, वो स्वयं अपना निर्णय करते हैं, अपने ढंग से ये सारा सब कार्रवाई करते हैं, वो उनका अपना मत है, जिसमें किसी व्यक्ति किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आदिवासी चेहरा आगामी विधानसभा में, क्या हो सकता है कि इस बार भी हवा हवाई रह जाएगा, क्योंकि 15 साल अभी तक, अभी तो मैं इसके बारे में, क्योंकि उनका प्रदेश है क्या है, मैं तो पार्टी ने हम भाजपा के लिहाज दिया, भाजपा के लिहाज से तो काम करने आ गए, परंतु जिस प्रकार की जो भी परिस्थितियां है, मैं इतना कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में हम आज सरकार बनाने की स्थिति में खड़े हो गए, और निश्चित मुझे लगता है हम ठीक किस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम सरकार में आएंगे। मध्य प्रदेश में QR कोड चल रहा है, सीएम का QR कोड,
और उधर एक तरफ शिवराज सिंह का क्यूआर कोड है भ्रष्टाचार के लिए स्कैन करें, दूसरे तरफ कांग्रेस ने क्यूआर कोड लगा रखा है कि कमलनाथ को स्कैन करें बेहतर सरकार के लिए। ये क्यूआर कोड की जो लड़ाई है कहाँ जाएगी ये? देखिए, हम तो काम के आधार पर, विकास को आधार बना करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जितना काम और शिवराज ने किया है वो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को पता है, और इसलिए जितना ज़्यादा हम काम किए, हर सेक्टर के अंदर काम किए, ऐसा नहीं किसी एक विषय या विभाग के अंदर, हमने हर सेक्टर को बढ़ाया है। और आज लोग देखते होंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये कोशिश सरकार के अंदर हुई और शिवराज ने इसको लेकर के काफ़ी प्रैक्टिस भी किए हैं और उसमें सफलता भी मिली है। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।